स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं प्रियंका मैम योर टीचर फॉर क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर नंबर फोर प्लानिंग का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लानिंग द डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन द बिजनेस विजन तो हम पूरा जो प्लान है एक डॉक्यूमेंट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अभी तक हमने प्लानिंग प्रोसेस तक पढ़ा था आई होप आपने उसके अच्छे से नोट्स बनाए हैं निकाल लीजिए कंसेप्ट रजिस्टर पुट दिस हेडिंग एंड बिफोर स्टार्टिंग आप सभी हैं मैग्नेट ब्रीन्स प्लेटफॉर्म पर इट इज इंडियाज ओनली प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्राम किंडर गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ वी मेक यू प्रिपेयर फॉर सी बी एस ई बोर्ड एज वेल एज समर स्टेट बोर्ड ऑल्सो इफ यू वांट ई नोट्स और ई बुक्स ऑफ एनी चैप्टर ओके और एनी सब्जेक्ट यू कैन एक्सेस दैट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गनाइज कंप्लीट कोर्सेज यस स्टूडेंट सारे चैप्टर्स टॉपिक्स क्वेश्चंस और जितने भी अपने रिविजन एरियाज होते हैं सीबीएसई के पास्ट ईयर पेपर्स एन रिफ्रेशर्स क्रैश कोर्स मैराथॉन्स ए टू जेड हम आपको पूरी प्रिपरेशन कराते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट नाउ स्टूडेंट्स इफ यू वांट टू एनहांस योर प्रिपरेशन यू कैन सॉल्व आर डी पी दैट इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट सी बी एस ई हैज़ गॉन रिसेंटर अंडर चेंजेस वी हैव कवर्ड ऑल द चेंजेस आपके जो चैप्टर्स के अंदर के कंटेंट भी चेंज हुए हमने ए टू जेड पूरे चेंजेस कवर किए हैं इन अवर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव सिलेबस एंड यह आपका सिलेबस जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू अचीव हंड्रेड एन हंड्रेड टारगेट एंड अचीव योर ड्रीम कॉलेजेस और एनी ऑफ दी एंट्रेंस एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं सो so आपको अच्छे से इसकी पढ़ाई करनी है एक इम्पॉर्टेंट बात और अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिवस में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं वी हैव अ सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल टू तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट प्रिंस हिंदी मीडियम पर क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की वो तैयारी कर, कर सकते हैं एब्सल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें भी फुली ऑर्गेनाइज कम्प्लीट कोर्सेज मिलते हैं सी बी एस ई एंड स्टेट बोर्ड्स दोनों की तैयारी कराई जाती है एन सी आर टी और रिफ्रेशर्स दोनों कवर होते हैं इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है वीडियो को लाइक करो शेयर करो अपने फ्रेंड्स को उनको बुलाओ कि लेक्चर देखने का टाइम हो गया है फटाफट कॉपी निकालो एंड नोट्स बनाना चालू करो ओके एंड साथ साथ में समझते जाना चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि प्लान क्या होता है सो so, जैसे मैंने बोला कि इस चैप्टर का ही नाम है प्लान डॉक्यूमेंट ऑफ द विजन ऑफ ना प्लान क्या होता है डॉक्यूमेंट होता है सो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट सो अगर कोई बिजनेस अगर कोई बिजनेस किसी भी चीज का प्लान बना रहा है ऑबियसली वो किसी पेपर पर पे ही बना रहे होंगे या कोई डिजिटल डायरी टाइप बना रहे होंगे तो ये क्या है एक डॉक्यूमेंट है ओके सो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दट आउटलाइन हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट ठीक है प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि गोल्स कैसे कंप्लीट होंगे ओके इट इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव देयर मे बी मोर देन वन वे मीन्स ऑफ रीचिंग द पर्टिकुलर गोल बट विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल प्लान ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी ईजिल अचीव्ड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपके सिलेबस में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है इतना तो आप समझ गए ना आगे क्या बोला इट इज़ अ स्पेसिफिक एक्शन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव जैसे हमारे प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कॉफी शॉप का एग्जाम्पल लिया था कॉफी शॉप वालों का प्लान क्या था उनके पूरे प्लान में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ कस्टमर्स टारगेट किए गए थे पहला सेक्शन कपल्स ठीक है सेकेंड सेक्शन फ्रेंड्स थर्ड सेक्शन ओल्ड एज पीपल फोर्थ सेक्शन एडल्ट ठीक है फिफ्थ सेक्शन वर्किंग क्लास हर तरह की फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड करके रखी थी ठीक है जैसे कपल्स हो तो उनकी टेबल अलग फ्रेंड्स हो तो उनकी टेबल पे गेम्स ओल्ड एज हो तो बनमस का ठीक है एडल्ट्स हो तो उनकी टेबल पर जो वर्किंग जो चीज़ें होती ना जैसे ऊनो हो गया वो रख देंगे फ्रेंड्स वाला या डिस्कशंस के लिए कॉफ़ी के आ, ऐसे टाइप रखेंगे जो एक्चुअली वर्किंग प्लेस पर लगते हैं फिर वर्किंग क्लास जो आके छोटी मोटी मीटिंग्स कर रहे होते हैं उनके लिए नॉन डिस्टर्बेंस एरियाज में वो टेबल लगाएंगे ठीक है सो ये तुम उन्होंने प्लान बनाया था अब ये क्या है इट इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज्ड तो ये प्लान जब मैनेजर ने बनाया तो ये प्लान क्या है ये एक स्पेसिफिक एक्शन ही तो है ये क्या है स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एक्शन ये एक स्पेसिफिक एक्शन ही तो है नाउ ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स ऑब्जेक्टिव्स देयर मे बी मोर देन वन वे एंड मींस ऑफ रीचिंग अ पर्टिकुलर गोल इस इन गोल्स को अचीव करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं लॉजिकल एक्सप्लनेशनस हो सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ों से ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो जाएगा सिंपल समझ आया आपको ये इकलौता ऐसा एग्जांपल है जो आपको बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर समझा सकता है ओके सो यस सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुना करो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट बट पहले इसके नोट्स बना ले स्टूडेंट्स सो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट इट इज स्पेसिफिक एक्शन इट इज़ अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ओके तो आप इतना सा लिख सकते हो अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो ओके स्टूडेंट्स फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप सब हो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ते हो एंड मैग्नेट ब्रेंस एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है आप फ्री ऑफ कॉस्ट सो कहीं भी नहीं जाना इस बारिश के मौसम में घर पर बैठना है लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल या टैब या कुछ भी आपके पास डिवाइस है ऑन करो एंड पढ़ने बैठ जाओ ओके okay स्टूडेंट So, ये है प्लान नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द सिंगल यूज प्लान सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो केवल एक ही बार बनाए गए उनका यूज एक ही बार है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज कल ऐसे टिश्यू पेपर्स आ गए हैं जिनको आपने जो हैंड पेपर्स होते हैं ना टिश्यू पेपर क्या होता है आपने एक बार निकाला टिश्यू पेपर हाथ गंदे से पोच लिया एंड डस्टबिन में थ्रो कर दिया ठीक है जो सूखा डस्टबिन गीला डस्टबिन अलग अलग डस्टबिन होते हैं तो उसमें जो सूखे कचरे वाला डस्टबिन था उसमें आपने थ्रो कर दिया ठीक है सो ये आपका सिंगल यूज़ टिश्यू पेपर होता है सिमिलरली बिस्लरी की बॉटल जब आप पीते हो तो पी के आप उसको ऐसे क्रश करके फेंक देते हो क्योंकि वो सिंगल यूज बॉटल होती है पर सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है सो सिंगल यूज प्लान भी ऐसा ही होता है दीज आर वन टाइम यूज प्लान यानी आप एक ही बार इसको यूज कर सकते हो बार बार यूज नहीं करते सो दीज आर डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल डैट वंस अचीव्ड विल नॉट रियकर इन फ्यूचर दीज आर मेड टू मीट द नीड्स ऑफ यूनिक सिटेशन ओके ड्यूरेशन और देंथ ऑफ सिंगल यूज प्लांट डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी और गोल विच इज इट मेड इट मे लास्ट वन डे और मे लास्ट वीक्स और मंथ द प्रोजेक्ट फॉर विच इट इज मेड इज लॉन्ग ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है ठीक है ये बिजनेस हाउस है एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ठीक है अब इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं ठीक है एक जगह पे मेट्रो बन रही थी है ना एक जगह पे मेट्रो बन रही थी तो ये जब मेट्रो बन रही थी तो मे, मेट्रो जब बन रही थी तो आ, इन लोग से बोला गया कि आपको इसके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपके ये टेंडर है आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो ठीक है तो गवर्नमेंट ने इनको बोला इन दोनों पर्सनस को ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी ठीक है तो मिस्टर ए और बी एक दूसरे को जानते नहीं हैं बट सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए वो साथ में आए ठीक है इन दोनों ने एक प्लान बनाया और जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया इनका जो एसोसिएशन है साथ में काम करने का ये एंड हो गया ये सिंगल यूज़ प्लान है तो सिंगल यूज़ प्लान कब होते हैं कुछ यूनिक सिचुएशंस में जहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिक काम करना होता है और वो काम जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसकी कोई नीड नहीं होती तो सिंगल यूज प्लान आर वन टाइम यूज प्लान दीज आर डिज़ाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल दैट वंस अचीव्ड विल नॉट रीअकर अगेन तो एक बार अगर मेट्रो बन गई तो इन दोनों का आपस में क्या काम कोई काम नहीं है राइट right नाउ

हंड्रेड क्लोथ्स कुर्ता सलवार साड़ी ब्लाउजेस इस सब की स्टिचिंग के लिए इनके पास ऑर्डर आया अब इनके पास केवल दो ही वर्कर्स थे इनने प्लान बनाया कि इसको इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन इसको कंप्लीट कैसे करना है जैसे ही प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया एक हफ्ते के अंदर प्लान लैप्स हो गया है ना तो बाद में ये प्लान काम नहीं आएगा क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोडक्शन तो केवल वेडिंग सीजन में ही होती है ठीक है तो यस बाद में काम नहीं आएगा इट वॉज सिंगल यूज़ प्लान वो उसी पर्टिकुलर वीक के लिए बनाया गया था अगली वीक के लिए अगला प्लान उसके अगली वीक के लिए अगला प्लान तो ऐसे ही होते हैं सिंगल यूज प्लान यूज़ एंड थ्रू ठीक है सो सिंगल यूज प्लान आर वन टाइम यूज प्लान इसको मैं टिश्यू पेपर प्लान बोलती हूं इसको मैं क्या बोलती हूं स्टूडेंट्स टिश्यू पेपर प्लान ताकि आपको याद रहे कि एक ही बार यूज होगा ठीक है टिश्यू पेपर हम एक बार यूज करते हैं तो ये एक ही बार यूज होता है इसलिए मैंने इसका ये नाम रखा है आपकी बुक्स में नहीं रखा है मैंने रखा है ताकि आपको ये याद हो ओके okay? फीचर्स क्या क्या हैं सिंगल यूज प्लान आर यूज्ड बाय यूज्ड ओनली वंस

स्टैंडिंग प्लांट्स, बट इससे पहले इसके नोट्स बना लेते हैं सिंगल यूज प्लांट्स और वन टाइम यूज प्लांट्स, दीज आर डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल दैट वंस अचीव विल नॉट रीअकर इन फ्यूचर दीज आर मेड टू मीट द नीड्स ऑफ यूनिक सिचुएशन ओके ड्यूरेशन डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी और गोल एक्टिविटी फॉर विच इट इज मेड इट मे लास्ट वन डे और इट मे लास्ट फॉर वीक और मंथ और इफ द प्रोजेक्ट फॉर विच इट इज़ मेड इज लॉन्ग ठीक है ये ऑलमोस्ट इसमें सारे ही एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं ओके स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड टू द फीचर्स की फीचर्स में क्या क्या लिखना है फीचर्स आप एकदम शॉर्ट में नोट डाउन कर सकते हो सबसे पहला फीचर यूज ओनली वंस ठीक है जो अंडरलाइन कर रही हूँ केवल वही लिखिए सेकेंड फीचर स्पेसिफिक सिचुएशन थर्ड व्हेन सिचुएशन इज ओवर फोर्थ न्यू प्लान न्यू सिचुएशन ठीक है इस तरह से आप ये चारों फीचर्स लिख सकते हो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्टली हमारा है स्टैंडिंग प्लांट्स सो स्टैंडिंग प्लांट्स और सिंगल यूज प्लान दोनों अलग अलग होते हैं चलिए समझते हैं कि स्टैंडिंग प्लांट्स क्या होता है सो स्टैंडिंग प्लांट्स आर प्लानो नोन एज रिपीट यूज प्लान है ना इसका दूसरा नाम क्या है रिपीट यूज प्लांट्स ठीक है जैसे अगर कोई मैनेजर को अपनी सेल्स बढ़ानी है बाई टेन परसेंट उन्होंने एक प्लान बनाया तो जब जब सेल्स टेन परसेंट से बढ़ानी होगी तब तब वो सेम प्लान यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये स्ट्रैटेजी उनके लिए वर्क करी थी लेट्स अज्यूम दैट ओके तो दिस प्लान फोकस ऑन सिचुएशन विच ऑकर रिपीटेडली ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि एक बार अगर सेल्स बढ़ानी है तो हमेशा नहीं बढ़ानी होगी हमेशा सेल्स बढ़ानी होगी तो so ये तब यूज होता है जब हम एक सिचुएशन बार 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 रिपीट हो रही हो ओके सो स्टैंडिंग प्लान आर यूज ओवर एंड ओवर अगेन स्टैंडिंग प्लान उस बीटर डिन सोल्यूशन की तरह होते हैं जब चोट लग जाए तब लगा लो है ना तो बीटाडिन अपन कब लगाते हैं जब अपन को चोट लग जाती है तो बार बार जब चोट लगेगी अपन वही ट्यूब निकालेंगे एंड लगा लेंगे तो सेम अगर जब जब अपन को सेल्स या कोई भी सिचुएशन होगी बढ़ानी होगी हम स्टैंडिंग प्लान को ओपन करेंगे एंड यूज कर लेंगे ये हमारा प्लान है इसको सेट ये ऑलरेडी सेट है नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन रीफ्रेमिंग द एंटायर प्लान ओके सो दीज आर मेड वंस बट रिटेन देअर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इयर्स सो ऑल दाम रिविजन अपडेट आर मेड इन दीज प्लान फ्राम टाइम टू टाइम ऑब्वियसली पॉलिसीज बिजनेस सिचुएशन चेंज होती रहती है तो अपन को थोड़ा रिविजन तो करना ही पड़ेगा ओके सो दीज आर स्टैंडिंग प्लान्स ओके लिखेंगे क्या इसमें ठीक है एक लाइन आप छोड़ सकते हो ओवर एंड ओवर अगेन वाली बाकी सभी इंपॉर्टेंट है ठीक है जहाँ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता मैं आपको ऑलरेडी कटवा देती हूँ बट आप इनमें सोचिए कि आप अगर एक अच्छा आंसर फ्रेम करोगे तो ये सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट है उसके लिए है ना क्योंकि यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही हैं बातें नाउ फीचर्स सो दीज आर रिकरिंग प्लान्स यूज फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल इन नेचर तो सबसे पहले रिकरिंग रिकरिंग वर्ड समझते हैं जैसे आज अगर मैं ग्रॉसरी परचेज़ कर रही हूँ एक महीने बाद फिर से मुझे परचेस करनी पड़ेगी फिर एक महीने बाद फिर से परचेज़ करनी पड़ेगी तो ये ग्रॉसरी का जो एक्सपेंस है ये बार 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 हो रहा है सेम आज अगर मैं एक प्लान बना रही हूँ सेल्स को बढ़ाने के लिए तो अगली बार जब सेल्स को बढ़ाना होगा फिर से यही प्लान उठा के यूज़ कर लूंगी फिर अगली बार जब सेल्स को बढ़ाना होगा फिर से यही प्लान उठा के यूज़ कर लूंगी ओके सो so, ये रिकरिंग होते हैं और इनडेफिनेट पीरियड तक यूज़ होते हैं ओके स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल इन नेचर क्योंकि ये अपन यूज़ करते हैं ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स ओके दिस प्लान एक्ट एस गाइडलाइंस फॉर ए स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स एंड मेथड्स ये प्लान क्या होते हैं गाइडलाइंस होते हैं जिससे अपन बिजनेस को आगे अच्छे से चला सके देर आर अदर टाइप ऑफ प्लान्स व्हिच आर यूजुअली नॉट क्लासिफाइड दीज आर स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर बाई टॉप मैनेजमेंट एंड सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग एंड अदर देन दिंगल यूज अंडरस्टैंडिंग प्लान तो ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस की बात करें तो सिंगल यूज स्टैंडिंग प्लान सफिशेंट है बट और भी टाइप ऑफ प्लान होते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेशन है ओके okay? सो so आप इसको लिख सकते हो अच्छे से नाउ स्टूडेंट्स अब बारी है डिफरेंस बिटवीन प्लान जो कि सिंगल यूज़ प्लान है और स्टैंडिंग प्लान है ओके सो सिंगल यूज प्लान इज यूज ओनली वंस स्टैंडिंग प्लान इज यूज ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन ओके सो सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट सच course of action is not likely to repeat or is going to repeat again so standing plan is made for activities that occur regularly over a period of time now third it is discarded when the project is over it is usually developed once and used over and over again with necessary modification from time to time single use plan include budget program and projects स्टैंडिंग पॉलिसीज स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स मेथड्स एंड रूल्स ठीक है तो ये था डिफरेंस बिटवीन ये फोर मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं ओके okay, तो आपको ये याद रहना चाहिए आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए और आपको इसी तरह से टेबल बना के आनी पड़ेगी ओके स्टूडेंट्स सो ये था डिफरेंस बिटवीन नाउ हमारा ये जो सेशन है अबाउट प्लान द विजन ऑफ द मैनेजमेंट ये ख़त्म होता है एंड आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेंस प्लेटफॉर्म पर इट इज़ इंडियाज़ ओनली एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है एजुकेशन फ्रॉम किंडर टू क्लास ट्वेल्थ इन इंग्लिश मीडियम ओके okay, और हम सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक के एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे हिंदी मीडियम के चैनल पर ओके okay, ये जो एजुकेशन है हाई क्वालिटी एजुकेशन है जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सीबीएसई बोर्ड की डेली बोर्ड की बिहार बोर्ड की यूपी एमपी एंड राजस्थान बोर्ड की ये सारे स्टेट बोर्ड्स हैं ओके okay, नाउ जब हम आपको तैयारी कराते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज कम्प्लीट कोर्सेज along with daily practice problems. ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा इनहस होगी अगर आपको किसी चैप्टर के ई नोट्स चाहिए या किसी सब्जेक्ट के ई e बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल मिल सकती है एंड आजकल तो हम शॉर्ट्स वगैरह भी बनाने लगे हैं तो आप उसे भी एक बार चेक कर सकते हो एक इंपॉर्टेंट बात ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप आप जब भी अगली बार ये सोशल मीडिया हैंडल्स ओपन करो तो मैग्नेट ड्रेंस को ज़रूर फॉलो कर लेना नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैविन ट इट शेयर टू यूर फ्रेंड्स एंड टेल दम दैट मैम इज़ गोइंग टू टीच द नेक्स्ट लेक्चर टाइप ऑफ प्लान्स उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दो ताकि आपके पास सारी अपडेट्स आती रहे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपरसून